हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय बताऊंगी जो कि कोख बंधन खोलने के लिए बहुत ही यूजफुल और कारगर है। इसको करने से किसी भी दंपत्ति की, किसी भी स्त्री की कोख अगर बंधी हुई है और संतान होने में प्रॉब्लम आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, संतान नहीं हो रही है, तो इसका मतलब होता है डॉक्टरी रिपोर्टों के बाद भी अगर संतान नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि कोख बंधी हुई है, किसी ने किया मतलब कुछ करवा रखा है, किया कराया है आपके ऊपर, इसलिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और रुकावटें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कोख बंधवा रखी है। इस प्रकार से मैं आपको ये घरेलू जो उपाय हैं, आपके घर में ही ये चीज़ मिल जाएगी जिसको मैं बताने वाली हूँ, आपको कुछ लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आसान सा सरल सा उपाय है, इसको करने से आपकी कोख 95% खुल जाएगी और आपको संतान पुत्र की प्राप्ति भी होगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार के उपाय मिलेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय जिसको करने से कोख बंधन से आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन, मंगलवार या शनिवार, आपको संडे वाले दिन नहीं करना है, बाकी आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको कोई शुभ मुहूर्त पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिस दिन टाइम मिले, जिस दिन आपके पास जो सामग्री अवेलेबल हो, आप उस दिन इसको करें, आप संडे को ना करें। बस संडे के लिए नहीं इसको किया जाता है। संडे को किया गया उपाय मतलब कोई भी लाभ नहीं देता है, वो व्यर्थ ही जाता है। तो आपको करना क्या है, जिस दंपत्ति के, जिस स्त्री की कोख बंधी हुई है, उसको मतलब एक नींबू लेना है, उसको एक नींबू लेना है। नींबू साफ़ सुथरा होना चाहिए, दाग दगीले वाला नहीं होना चाहिए और हरा भी नहीं होना चाहिए। पीले कलर का एक नींबू लें, हरे वाला नहीं लेना। और उस नींबू को ध्यान रहे साफ़ सुथरा होना चाहिए, दाग दगीले वाला नहीं चाहिए। उसको क्या करना है, आपको लेकर के उसको साफ़ करना है। पहले साफ़ करने के बाद आपके घर में अगर हस्बैंड है या देवर है या कोई भी है घर में से, आप उसके हाथ से इसको करवाएं, क्योंकि लेडीज खुद नहीं इसको करेगी, उसको करवाएं। या कोई भी आपका भैया वगैरह कोई भी हो, लेकिन जेंट्स को ये करना है। अगर आपका हस्बैंड इसको करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक नींबू लेकर के उसमें चार फांक उसको करना है, उसको पूरा कट नहीं करना है। आपको उसमें जैसे अचार के लिए नींबू काटते हैं चार फांके करने, उसको पूरा कट नहीं करना, उसको बीच में ही छोड़ देना है। उसमें आपको क्या करना है, सिंदूर जो आता है हनुमान जी वाला जो सिंदूर होता है, आपको एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा घी डालकर उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको अंदर की साइड उस सिंदूर को लगा देना है और उसमें एक लौंग फूल वाली होनी चाहिए, जो फूल होता है फूल जड़ा हुआ उसका नहीं होना चाहिए, ये लेना है आपको। और कलावा लेकर के, कलावा थोड़ा सा कलावा लेकर उसके अंदर रखना है आपको। और काली जो काला जो धागा आता है, जिसको पटार भी बोला जाता है, धागा आता है उससे आपको वो है नींबू, ध्यान है थोड़ा सा बड़ा लेना है आपको। उसको लेने के बाद आपको वह नींबू कवर कर देना है चारों तरफ से। कवर करने के बाद जिस स्त्री के कोख बंधी हुई है, संतान नहीं हो रही है, सारे डॉक्टरी चेकअप भी करवा लें आपको, तब भी संतान नहीं हो रही, रुकावटें आ रही, उस स्त्री के ऊपर से आपको ये 21 बार उतारना है, जिसको उसारा भी बोला जाता है और उतारना भी उसको बोलते हैं, यानी कि उसारना है। 21 बार आपको उसके ऊपर से 21 बार इस प्रकार से उतारना है, जैसे आपको किसी पर शंका है उसका नाम आप लें कि हम पे ये करवा सकता है,
उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और अपनी कोख बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना भी करनी है। जैसे आप शनिवार को करोगे, मंगलवार को, अगर कभी भी आप करें, बस आपको ध्यान रखना है सोमवार को करोगे तो भोलेनाथ का नाम लेना है, जिस भी दिन करोगे उसी दिन उसी देवता का आपको नाम लेना है। आपको 21 बार इस प्रकार उतारना है जैसे बच्चे पैसे नज़र उतारते हैं, उस प्रकार से उतारें आप। उसको उतारने के बाद आपको वह रख देना है, आपको उसी टाइम नहीं लेकर जाना है। आप सुबह शाम इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय जब होता है उसके बाद आप कभी करें, सूर्य अस्त जब होता है उससे पहले आपको करना है। आप इसको करोगे इस प्रकार से, 21 बार उतारोगे उसको उसारा करे हुए, उसके बाद आपको रख देना है। ये जैसे आपका बाहर का कहीं भी गेट से बाहर दरवाज़ा है, उसको उतारने के बाद आपको गेट के दरवाजे के बाहर रखना है। ये किसी भी लाल कपड़े में, इसको छोटा सा लाल कपड़ा लें उसमें बांध कर इसको रख देना है, अंदर नहीं रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जब भी आप पर समय मिले उसी दिन करना है, लेकिन उसी टाइम लेकर नहीं जाना है। आपको उसी टाइम यह लेकर बाहर रखना है। उसके बाद आपको जैसे 5-10 मिनट बाद आपको ये पीपल वृक्ष के पास लेकर जाना है। पीपल वृक्ष आपके आसपास हो आप वहाँ इसको ले जा सकते हैं। इसको ले जाने के बाद आपको ये वहाँ रख देना है और आपको एक दीपक जलाना है तिल के तेल का, उसमें थोड़े से काले तिल डालें। तिल के तेल में नहीं है तो सफ़ेद तिल भी आप डाल सकते हैं और तिल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आपको सीधा अपने घर आ जाना है। घर आकर आपकी जो आपने जिस दंपत्ति के ऊपर ये किया है उसको भगवान जी के सामने थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलें, अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए, कोख बंधन खोलने की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलें। और जब पीपल वृक्ष पर दीपक जला रहे हों उस टाइम जो दीपक आप लेकर जाओगे उससे अपनी जो स्त्री है जिसकी गर्भ मतलब खोलने के लिए किया है आपने कोख बंधन, उसका हाथ लगवा के ज़रूर लेकर जाएं। इस प्रकार से आपको हफ्ते में 3 दिन आपको ये करना है, इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। आपको दीपक से हाथ लगवा कर ले जाना है, तिल का तेल का दीपक जलाना है, उसमें थोड़े से तिल डालने और नींबू उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। बस ये ध्यान रखें कि जब आप कर रहे हों तो उस टाइम पर कोई भी ना हो, जो करने वाला है वो हो और जिसके ऊपर कर रहे हैं वह हो। ये नहीं है कि आप देखने लग जाएं, उस तरीके से नहीं करना, गुप्त रूप से इसको करना है। और नींबू साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसी प्रकार करें जिस प्रकार मैंने आपको नींबू में बताया है। आपकी कोख बंधन जरूर खुलेगी और संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी।